किसने यहाँ पर टिप्पणी की, किसने आश्वासन दिया परिजनों को, परिवार को? जिस भी धार्मिक संगठन से भाई का मैच जुड़े हुए थे, किसने आश्वासन दिया उन्हें? कोई भी सामने नहीं आया। यहाँ पर आज हम सब देख रहे हैं, मैं सुबह से देख रही हूँ, जो भी आ रहा है या तो अपने धार्मिक संगठन का प्रचार कर रहा है या अपनी राजनीति का प्रचार कर रहा है। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, और आप लोग दोष दे रहे हो अन्य लोगों को। जब हमारे अंदर खुद में कमी है तो हम दूसरों को दोष नहीं दे सकते। जिस धार्मिक और सामाजिक संगठन में वो कार्य करते थे, उन धार्मिक संगठनों ने अपने आप को इतना सक्षम बनाया कि उन्होंने 1.5 करोड़ का आश्रम और 1.5 करोड़ का ऑफिस लेना ज्यादा बेहतर समझा, बजाय के ऐसे काबिलियत और प्रतिभाशाली युवाओं के लिए प्रावधान करने के। क्या वाल्मीकि जाति में एक ही ऐसा कामेश था जिसके अंदर इतनी प्रतिभा थी? क्या और प्रतिभाशाली नहीं है? यहाँ पर जितने बैठे लोग हैं, जितने युवा हैं, कोई अच्छा मॉडल बनने के लायक है, कोई अच्छा प्रवक्ता बनने के लायक है, किसी की शिक्षा इतनी अच्छी है, कोई अच्छी नौकरी करने के लायक है, हर व्यक्ति में कोई ना कोई प्रतिभा है। यदि हमारा सामाजिक या धार्मिक संगठन जिससे हम जुड़े होते हैं वो उसका नेतृत्व करने वाले व्यक्ति अगर अपनी यह जिम्मेदारी समझे कि जो भी हमारे संगठन में कार्य करता है, जो नवयुवक है, उसमें यदि किसी प्रकार की प्रतिभा है तो उसको वहां पर रोका ना जाए। लेकिन नहीं, हम अपने धार्मिक और सामाजिक संगठनों को ऊंचा उड़ाने और अपनी प्रसिद्धि के लिए आर्थिक स्थिति से मजबूत होने के बावजूद भी हम उस युवा की तरफ ध्यान नहीं देते। अगर उस धार्मिक संगठन ने किकबॉक्सिंग के स्टेट चैंपियन को अगर उनकी प्रतिभा में आगे प्रमोट किया होता, क्या वो यहाँ पे होते? जिस पहाड़ा बोला की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पर आने के लिए 10 बार सोचा जाता है, क्योंकि यहाँ के एरिया को बहुत बदनाम किया हुआ है। नशाखोरी, शराब, जुआ खेलना, गाली गलौज, इस तरह की जो गंदी मानसिकता के लोग यहाँ पर रहते हैं, गंदी मानसिकता के लोग किसी भी जाति में पैदा हो सकते हैं। ये कोई टैग नहीं है कि ऐसे अनुसूचित जाति के लोग ही नशा करते हैं या गाली गलौज देते हैं। लेकिन हमारे ऊपर क्या लगाया हुआ है? हमारे ऊपर टैग लगाया हुआ है। अगर वो सामाजिक संगठन के अध्यक्ष या सामाजिक संगठन के जो मुख्य अध्यक्ष अपने आप को समझते हैं, यदि वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझकर जो मॉडलिंग में माहिर थे, अगर मॉडलिंग में उनको प्रमोट करते तो क्या हम यहाँ पर एकत्रित होते? आपको क्या लगता है, कमेश भाई जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति ऐसी जाति, ऐसी बस्ती, ऐसी मोहल्ले में रहने के लायक है? और फिर हम दोष देते हैं सरकार को? अपने अंदर तो झांक लो। हमारे समाज की जागरूकता की वजह से आज हम यहाँ पर मातम मना रहे हैं। हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ रेप हो जाते हैं, कितने लोग इकट्ठा होते हैं, धरना धरते हैं, कैंडल मार्च करते हैं। अरे किस लिए? समस्या सबके पास है, निवारण किसी के पास है? सबने समस्या पर बोल दिया, समस्या के पीछे कारण है किसी ने बोला, सबने अपनी वाहवाही करवा ली, अपनी राजनीति करवा ली, अपने राजनीतिक पार्टी को यहाँ पे प्रमोट कर दिया, अपने धार्मिक संगठन को यहाँ पे सामाजिक संगठनों को प्रमोट कर दिया। अरे उनके लिए दो शब्द आपने बोल दिए, अच्छी बात है, आप यहाँ पर दुख है, सब एकत्रित हुए हैं। लेकिन प्रावधान, समस्या का कारण किसी ने बताया? हम सब चाहते हैं कि भाई कामेश के परिवार को, परिजनों को 1 करोड़ रुपए का वहां पर आर्थिक मदद की जाए, परिवार में नौकरी दी जाए। दो बहनों का एक भाई था, उन बहनों की शिक्षा के लिए सरकार उनकी जिम्मेदारी ले, परिवार परिजनों को प्रोटेक्शन दिया जाए, आवासीय योजना के तहत उन्हें इस गली मोहल्ले या इस बस्ती से निकाल कर, क्योंकि वो जो दो छोटी बहनें हैं, आज हम इस बात की कोई भी गारंटी नहीं ले सकते कि वो सुरक्षित रहेंगी। आवासीय योजना के तहत उन्हें कहीं इस राज्य या इस क्षेत्र से बाहर कहीं ऐसी जगह सेफ जगह मुहैया करवाई जाए जहाँ पर वो अपना जीवन व्यतीत कर सके। ऐसी बातें भी तो बोलनी चाहिए, लेकिन नहीं, हम दूसरों को दोष देते घूमते हैं। हम अपने आप को देखना चाहिए कि हमारे अंदर कमी है। सबसे पहले हमें यहाँ पे कामेश के लिए इंसाफ चाहिए। इंसाफ के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं यहाँ से नहीं हूँ। जिस बहन के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उस बहन के परिजन यहाँ पर इकट्ठे हैं, क्या उनके परिजनों ने हमें आश्वासन दिया?
किया। हम ये कहते हैं कि सबकी बहन बेटी एक समान होती है। आज आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबकी बहन बेटी एक समान होती है, उनको यहाँ पर लेकर नहीं आया जा सकता। अगर उस बहन के साथ रेप हो जाता, क्या वो एफआईआर दर्ज करवाने नहीं जाती? अगर उस बहन के साथ रेप हो जाता तो क्या वो कोर्ट में नहीं जाती? लेकिन ये बात समझने के पीछे कोई नहीं है कि एक रेप होने से बचाया है तो क्या उस बहन को यहाँ पे मौजूद नहीं होना चाहिए था? क्योंकि उसकी इज्जत आबरू बचाने के लिए उस भाई ने अपने आप को शहीदी प्राप्ति के लिए, अपने आप को इस समाज के लिए न्योछावर कर दिया। लेकिन मैं तो कहती हूँ उन्होंने गलत ही न्योछावर कर दिया, क्योंकि ये जो दबा कुचला और ये जो गंदी मानसिकता का समाज है ना, ये कल भी मरा हुआ था, ये आज भी मरा हुआ है, और अगर ऐसे ही रहा तो ये हमेशा मरता रहेगा। क्योंकि आज हम इनके लिए यहाँ पर आए हैं, क्योंकि कुछ समय पहले हमने मनीषा बहन के लिए बहुत सारी कैंडल मोमबत्तियां जलाई है, बहुत सारे धरने धरे हैं, उनके लिए भी कर लिया, हल्ला गुल्ला कर लिया, आराम से बैठ गए। हम यहाँ पर कोई मोमबत्ती जलाने नहीं आए हैं, आंदोलन करने नहीं आए हैं, सड़कों पर उतरने नहीं आए हैं, भाषणबाजी करने नहीं आए हैं। हमें दुख है सिर्फ इस बात का कि जो समस्या के पीछे कारण है उसका हल निकालिए, वो है जागरूकता। हमारे समाज में जागरूकता नहीं है, हम आगे बढ़ने से डरते हैं, हम कुछ भी काम करने से डरते हैं। हम बड़ी शान से कहते हैं जय वाल्मीकि, जिस जय वाल्मीकि का नारा देते हैं, कम से कम एक बार तबीयत से उनकी फोटो देख लीजिए, उनके हाथ में कलम है, झाड़ू नहीं। जिस दिन हमारे समाज के हाथ में झाड़ू छोड़कर कलम आ जाएगी और हमारे समाज का हर व्यक्ति, हर युवा शिक्षित होगा, उस दिन ना तो हम किसी एट्रोसिटी में जाएंगे और ना इस तरह के कोई धरने प्रदर्शन करेंगे। यदि मेरी बात किसी को बुरी लगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मेरी बात किसी को बुरी लगे तो अच्छा लगेगा मुझे, क्योंकि कम से कम जो मरा हुआ जमीर है वो तो जाग जाएगा। और जो हमारा समाज है ना, ये मरा हुआ नहीं है, ये सोया हुआ है, ये सोया हुआ भी नहीं है, ये जगा हुआ है, ये जगा हुआ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हरियाणी भाषा में कहते हैं दड़ मार के बैठा है, कहीं मेरे को कोई जगा ना ले, शर्म आनी चाहिए। आज हम इनकी शहादत में हैं, कल को मेरे साथ किसी प्रकार का कोई बलात्कार, रेप, मेरे ऊपर एट्रोसिटी या कोई मेरे ऊपर कोई एसिड वगैरह अटैक कर देता है, तो फिर आप मेरे भादुरगढ़ भी आ जाना।